हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक कोड। और आज का लीड कोड क्वेश्चन, कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू टू गिवन नोड्स। तो इसमें क्या कर रखा है, बेसिकली एक ग्राफ दे रखा है ना, और डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है और बोल रखा है कि एजेस कैन कंटेन साइकिल्स। और उसमें क्या करना है, तुम्हें दो नोड्स दे रखे हैं, ठीक है। दो नोड्स से तुम्हें एक ऐसा नोड निकालना है जिससे नोड वन का डिस्टेंस, ठीक है, एक ऐसा नोड जिससे नोड वन का डिस्टेंस डी वन मान लो, ठीक है, और नोड टू का डिस्टेंस डी टू मान लो, ठीक है। तो डी वन और डी टू में से जो मैक्सिमम है ना, उसको तुम्हें मिनिमाइज करना है, उसको तुम्हें मिनिमाइज करना है, ऐसा नोड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है भाई। देखो हम क्या करेंगे, हम सारे नोड निकाल लेंगे, ठीक है, जो जैसे दो दो नोड्स दे रखे हैं, जैसे ये वन दे रखा है और एट दे रखा है मान लो, ठीक है। तो वन के पास में कौन कौन आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, ठीक है, और एक ही आउटगोइंग एज होगी ना, एक 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 नोड से सिर्फ एक एक आउटगोइंग एज होगी, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर वन से टू जाएगा, टू से थ्री जाएगा, थ्री से 10 जाएगा, 10 से 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, और साइकिल हो सकती है ना, एक नोड से एक आउटगोइंग एज होगी। ऐसा नहीं बोल रहा था कि एक नोड पे इनकमिंग एजेस एक ही होगी, इनकमिंग एजेस दो हो सकती है, ठीक है। इस वाले नोड पे इनकमिंग एज कितनी हो रही है, दो हो रही है, पर आउटगोइंग एक ही है इससे, ठीक है। तो इसके पाथ में क्या क्या आया, एक आया, दो आया, तीन आया, दस आया, नौ, चार आया, पाँच आया, छः आया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, आठ वाले का पाथ निकालेंगे। आठ वाले पाथ में कौन आया, आठ आया, नौ आया, तीन आया, दस आया, और वापस से वही आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसमें नोड्स हैं और जो इसमें नोड्स हैं, जो दोनों में कॉमन नोड्स हैं, है ना, उनका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने जब ये करा था ना, ट्रैवर्स करा था, तो हमने क्या करा था, डिस्टेंस भी ले लिया था, ठीक है। तो वन इसको ले लिया, वन का वन से डिस्टेंस जीरो, इसका दो, इसका तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, और इसका कितना, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। अब हम दोनों में दोनों में जो कॉमन नोड्स है ना, कॉमन नोड्स हैं, उन सबका ये निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कॉमन नोड है, एक थ्री थ्री कॉमन नोड है, तो थ्री का जो है इस वाले में डिस्टेंस कितना है, दो है, और उस वाले में भी दो ही है ना, ये ऐसा एग्जांपल आ गया। अगर यहाँ से चालू करते तो अलग आ जाता, ठीक है। तो सेवन से अगर ये सेवन दे रखा होता हमको एट की जगह, तो अलग आ जाता, अभी सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो जो दोनों में का डिस्टेंस है वो लेते जाएंगे, जो जो कॉमन एलिमेंट, जो जो कॉमन नोड्स हैं, है ना, और फिर ये इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो जिस नोड पे मिनिमम होगा ना, इन दोनों का मैक्सिमम, है ना, इन दोनों का मैक्सिमम का मिनिमम जिस नोड पे होगा, कॉमन नोड पे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यार ये एग्जांपल थोड़ा ऐसा ही था, अभी दूसरे एग्जांपल को देखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइव से चालू कर रहे हैं और सिक्स से चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा नोड जिसका जिसका डिस्टेंस, ठीक है, तो अभी हम चालू कर देते हैं। छः से चालू करा, चार पे गए, चार से चालू करा, आठ पे गए, आठ से चालू करा, एक पे गए, क्योंकि आउटगोइंग तो एक ही है, तो एक ट्रैवर्स तो एक ही डायरेक्शन में करेगा ये, है ना। आठ से एक पे गए, फिर एक से वापस चार पे आ रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे रुक जाएंगे हम, अभी यहाँ पे डिस्टेंस ये कितना हो गया, जीरो, वन, टू, थ्री डिस्टेंस, ठीक है। फिर हम फाइव से ट्रैवल करेंगे, फाइव, सेवन, फिर आएगा वन, फिर आएगा फोर, फिर फोर से आएगा एट, फिर एट से आ जाएगा वापस वन, ठीक है। ये हो गया जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अब दोनों में कॉमन नोड्स कौन कौन से हैं, तो जो जो कॉमन नोड्स हैं, फोर है, वन है, फोर है और वन है, और एट है कॉमन नोड, ठीक है।
फोर वन और एट ए कॉमन नोड, तो पहले फोर को देखते हैं, ठीक है। तो फोर का कितना है यहाँ पे वन वन, और यहाँ पे कितना है फोर का थ्री, ठीक है थ्री है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हो गया थ्री, तो फोर से आया आंसर हमारा थ्री, फोर अगर फोर अगर हमारा आंसर होता। और दूसरा कौन सा कॉमन नोड है एट, तो एट एट का डिस्टेंस कितना है टू टू, ठीक है। और इधर एट का कितना है फोर, तो ये हो गया फोर। हमको ऐसा नोड लेना है जिसमें ये मिनिमम हो, ठीक है। तो अभी ये थ्री है फोर है, तो इसको तो लूंगा नहीं, मैं इसी को लूंगा। और अब वन बच गया, वन का क्या है डिस्टेंस थ्री, और इधर वन का कितना है टू, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है और इन दोनों का मैक्सिमम क्या है थ्री। तो अब दो दो कॉमन नोड्स आ रहे हैं, फोर भी आ रहा है वन भी आ रहा है, तो कौन सा लेंगे हम, लोअर इंडेक्स वाला बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा ले लेंगे आंसर वन, तो वन हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो सिंपल सा है, अब कोड पे आ जाते हैं ना, तो बहुत हम क्या करेंगे एक, अब ये देखो एक और चीज़ है ना, अगर ये भाई सिक्स से जब सिक्स से फाइव पे तो जाएंगे नहीं, है ना, तो हम एक विजिटेड एरे भी ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने वन से डी एफ एस चालू करा हमारा, फिर वन से टू पे गए, टू से थ्री गए, थ्री से टेन गए, फोर फाइव सिक्स, अब जब जैसे ही वापस हमने देखा कि ये तो विजिटेड है तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और हम एक पेयर बना लेंगे, पेयर बना लेंगे सेट का, ठीक है, सॉरी मैप बना लेंगे, मैप एस वन, एस वन में कौन कौन होगा हमारा, एस वन में होगा हमारा जो नोड वन से जो हमने ट्रैवर्स करा उसमें जो जो हमारे नोड्स आए, है ना, और उनका डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे इसमें फाइव आया, सेवन आया, वन आया, फोर आया, एट आया, है ना, उसका डिस्टेंस भी ये होगा हमारा एस वन में, और एस टू में ये हो जाएगा सिक्स जीरो फोर वन एट टू वन थ्री, ठीक है। और फिर इन दोनों में हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन से कॉमन नोड्स हैं, और उनका ये निकाल के जिसका मिनिमम होगा नोड में का वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमने एक दो मैप ले लिए, एक सेट ले लिया विजिटेड के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब तक हमारा माइनस वन नहीं आ जाता, है ना, या तो माइनस वन नहीं आ जाता या फिर विजिटेड वापस से विजिटेड वाला नोड नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक हम एस वन में डालते जाएंगे। एस वन में क्या डालते जाएंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है के जीरो रख दिया हमने, फिर इसको वन भी कर सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, मैंने जीरो से चालू कर दिया है, हाँ जीरो से ही करेंगे, ठीक है। तो जीरो से डाल दिया, सेट वन में डाल दिया नोड वन और जीरो, फिर हमने इसको मार्क कर दिया विजिटेड, फिर हमने चेंज कर दिया नोड को, ठीक है। अब हम इस नोड पे चले गए, ठीक है, सिक्स से कहाँ चले गए, फोर पे चले गए, फिर हम ऐसे करते जाएंगे और फिर हम विजिटेड को क्लियर कर देंगे, क्योंकि अब हम फाइव से ट्रैवर्स, दूसरे नोड से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। फिर हमने वही सेम चीज़ करी दूसरे नोड के लिए, एस टू में रख दिया दोनों को डिस्टेंस के साथ, फिर हमने क्या करा, जो जो कॉमन नोड्स हैं दोनों में, एस वन में गए, एस वन वाले सेट में गए, एस वन वाले मैप में गए, और देखा कि ये एस टू में भी है क्या, अगर एस टू में भी है तो हम, और हमारा ये डिस्टेंस को हमने मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर दिया, अगर हमारा डिस्टेंस ये इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो अगर हमारा कम है तो हमको अपडेट करने की ज़रूरत है आंसर को, ठीक है। तो हम ऐसे अपडेट कर देंगे यहाँ पे, इज लेस देन दिस सो अपडेट दिस, और अगर इक्वल है ना, जैसे चार वाले केस में क्या था, इक्वल आ गया था, इन दोनों का जो मैक्सिमम लिया तुमने, इन दोनों का जो मैक्सिमम लिया वो दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो अगर हमारा एक्स डॉट फर्स्ट लेस है मतलब ये वन लेस है ना फोर से, ठीक है, जो हमारा करंट आंसर बन चुका है उससे फोर से लेस है, अभी हमारा करंट आंसर क्या बन चुका था, फोर बन चुका था, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसमें ट्रैवर्स करा था तो ये आंसर हमारा फोर था, फिर हमने एट पे ट्रैवर्स करा था तो आंसर हमारा अपडेट नहीं हुआ, फिर हम वन पे आए, तो अभी हमारा आंसर क्या है, फोर है, पर हमारा अभी वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, वन छोटा है फोर से, तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे, ठीक है, और ये डिस्टेंस को भी अपडेट करते जाएंगे हम ऐसे यहाँ से, और फिर हम यही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रैवर्स ही कर रहे हैं बस,
ठीक है, एक बार नोड वन से ट्रैवर्स करा, एक बार नोड टू से ट्रैवर्स करा सेपरेटली, दोनों सेपरेट ट्रैवर्स कर ले, ठीक है। ठीक है, तो होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक्स अ लॉट।